सो गाइस, क्या आपको भी व्हाट्सएप पर इस तरह की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, यू नीड दे व्हाट्सएप टू यूज दिस अकाउंट। तो देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम आपको आती क्यों है और अगर आती है तो आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, वो भी आपको हम बताएंगे। तो देखिए दोस्त, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपको इसको ठीक करना बहुत आसान है, आप इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो देखिए, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये प्रॉब्लम आपको जब आती है, जब आप कोई थर्ड पार्टी व्हाट्सएप यूज कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर देखिए उसमें होता क्या है कि यहाँ पर साफ साफ चीज़ें लिखी होती हैं। यहाँ पर देखिए, यूजिंग एंड साइन अनदर ऐप व्हाट्सएप हैज बीन योर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं उसमें हो सकता है आपकी जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की चीज़ें होती है वो आपकी हैक हो सकती हैं, उसमें आपका रिस्क भी हो सकता है और आपके चैट में लीक हो सकती हैं। तो इसमें यहाँ पर देखिए आपको सजेशन भी दिया गया है, आपका सोल्यूशन भी बताया गया है। यहाँ पर यूज व्हाट्सएप है, देखिए रजिस्टर टू लॉग इन बैक, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो आपको व्हाट्सएप है ये इसमें अब नहीं चलेगा, मतलब ये व्हाट्सएप नहीं चलेगा। अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ओपन व्हाट्सएप का, इस पर क्लिक करके आप लोग अपना एक जो काउंटर फाइल होता है उसको फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, आपको मैं बता देता हूँ। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर आना होगा और जैसे ही आप प्ले स्टोर पर आएंगे तो आप देखेंगे आपको इस तरीके का पेज दिखाई देगा। तो देखिए मेरे भाई, इसको आपको ठीक कैसे करना है, इसके लिए आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है नॉर्मली व्हाट्सएप। जैसे आप व्हाट्सएप को सर्च करते हैं, आप इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद देखिए सभी लोगों के सामने इस तरीके का पेज खुल जाता है और यहाँ पर इस तरीके का आपको ऑप्शन मिलता है। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर जब आपको इस तरह का पेज मिलेगा, जब आप अपने व्हाट्सएप से लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको हेल्प का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको हेल्प का नहीं मिलता है तो आप किसी अदर व्हाट्सएप में जाएंगे, जो भी आप यूज़ करते हो, आपके दोस्त का हो, आपके भाई का हो, आपकी माँ का हो या फिर कोई किसी का भी हो। तो आप लोग यहाँ पर आपके आने के बाद हेल्प के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप हेल्प के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद देखेंगे आपको कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप लोग इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको अपना लिख देना है, जैसे कि डियर व्हाट्सएप टीम, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले डियर व्हाट्सएप टीम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अपनी प्रॉब्लम की, आपकी प्रॉब्लम आखिरकार है क्या और आपका नंबर क्या है, उस नंबर को आप लोग यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है कोशिश करेंगे ये लोग 7 से 8 दिन के अंदर सोल्व कर दें। अगर आप लोग ये चीज़ अपनाते नहीं हैं तो हो सकता है आपकी जो प्रॉब्लम है वो 10 से 12 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, 3 महीने लग जाए, इसका कोई टाइम नहीं होता है। तो इसलिए आप अपनी यहाँ पर हेल्प सेंटर में भी आके अपने प्रॉब्लम को दर्ज कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को ठीक करवा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो मेरे दोस्त, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहें।